Hey guys and welcome back to another amazing video of Super Duper Hindi. 1996 एक ऐसा साल जब पहली बार पोकेमॉन रिलीज हुआ और हमें पोकेमॉन की अमेजिंग दुनिया देखने को मिली. तब से लेकर अब तक ये इतना पॉपुलर है कि ये हमारे दिल में बस चुका है. बट उसके एक साल बाद यानी 1997 में आया डिजिमॉन, जहां हम एक एग में से मॉन्स्टर को रेस करते हैं, साथ ही में उनके साथ बैटल भी करते हैं और अपने दोस्त बनाते हैं. बट इन दोनों ही एनिमे के रिलीज डेट में एक साल का फर्क था और इन दोनों में कुछ चीजें सिमिलर भी थी और इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि डिजिमॉन रिप ऑफ है पोकेमॉन का. तो ये क्या बात सही है? वेल गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं. बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको दबा देना मगर प्यार से. तो चलो फिर आज के इस वीडियो को बिना किसी क्लिकबेट के शुरू करते हैं. वेल सच बोलूं तो मैंने डिजिमॉन इतना नहीं देखा जितना मैंने पोकेमॉन देखा है. बट मैंने इतना जरूर देखा है कि मैं तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकता हूं और बाकी की इन्फॉर्मेशन मैंने नेट से निकाल ली है. डिजिमॉन की बात करूं तो मैंने डिजिमॉन क्रॉस वॉर, डिजिमॉन फ्रंटियर एंड थोड़े बहुत सीजन और देखे हुए हैं. बोथ डिजिमॉन एंड पोकेमॉन थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज एक दूसरे के अंदर रखते हैं. बट इससे हम ये नहीं बोल सकते कि डिजिमॉन डिट्टो कॉपी है पोकेमॉन का. डिजिमॉन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसे पोकेमॉन से अलग बनाती हैं और बेटर बनाती हैं. निंटेंडो एंड बैंडाई दोनों ही बेस्ट बनना चाहती थी मार्केट में फॉर चिल्ड्रन, बट बैंडाई ने फोकस किया बॉयज की तरफ, जहां पर दूसरी तरफ निंटेंडो ने ऑल एजेस ग्रुप पे फोकस किया. और यही एक रीजन है कि पोकेमॉन सभी एजेस ग्रुप में इतना पॉपुलर है. पोकेमॉन को देखे तो उसके हर एक सीजन में जो स्टोरी होती है वो एश के अराउंड ही रिवॉल्व करती है. मेन कैरेक्टर है सही बात है, बट उसके जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए. मतलब खुद देखो, एश जर्नी पे गया, उसका एक राइवल बना, न्यू ट्रैवलिंग पार्टनर्स बने, पूरे सीजन में एश अपने राइवल से हारता है, देन पोकेमॉन लीग में उसे हराता है, देन एक रैंडम बंदा आता है पोकेमॉन लीग में और वो एश को हरा देता है. और यही साइकिल रिपीटेड होती रहती है जिससे हम पोकेमॉन के हर एक सीजन को लगभग गैस कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या होने वाला है. बट वहीं डिजिमॉन में हमें हर बार न्यू स्टोरी लाइन, न्यू प्लॉट, न्यू कैरेक्टर देखने को मिलते हैं. मतलब एक पर्टिकुलर सीजन को अच्छी तरीके से शुरू किया जाता है और उसको एक अच्छी एंडिंग दी जाती है. फिर न्यू सीजन के अंदर न्यू कैरेक्टर के साथ हमें न्यू स्टोरी लाइन विद न्यू कैरेक्टर दिए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो पोकेमॉन में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी एज तो बताई गई है लेकिन उन्हें ग्रो होते हुए नहीं दिखाया गया है. एश को ही ले लो, बेचारा अभी तक 10 साल का है, बट डिजिमॉन में कैरेक्टर्स ग्रो होते हैं. शॉर्ट में बोलूं तो निंटेंडो डरता है अपने कैरेक्टर्स को ग्रो करने से ताकि उनकी पॉपुलैरिटी कम ना हो जाए. और वहीं पर बैंडाई बिंदास अपने कैरेक्टर्स को ग्रो करता है, उनकी एज को ग्रो होते हुए दिखाता है. एक बात ये भी है कि जो डिजिमॉन को पोकेमॉन से बहुत अलग बनाती है वो ये है कि डिजिमॉन सीजन में ह्यूमन दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होते हैं और वहाँ उनकी जर्नी स्टार्ट होती है. वहाँ इस बात की टेंशन नहीं होती कि बैटल के लिए उन्हें एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए होगा. वहाँ कहीं पे भी किसी टाइम बैटल हो सकती है डिजिमॉन के बीच, जबकि पोकेमॉन में एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए होता है बैटल के लिए. सोचो अगर कहीं भी अगर पोकेमॉन बैटल स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट डैमेज हो सकते हैं पोकेमॉन के मूव से. एंड एक बात और कि कुछ डिजिमॉन सीजन में तो कैरेक्टर खुद डिजिमॉन में कन्वर्ट हो सकते हैं लाइक डिजिमॉन फ्रंटियर, जबकि पोकेमॉन में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता. डिजिमॉन में एक या दो नहीं बल्कि 4-5 डिजिमॉन एक साथ फ्यूज हो सकते हैं. एग्जांपल के लिए डिजिमॉन क्रॉस वॉर ही देख लो, जबकि पोकेमॉन पे इतने स्केल पर फ्यूजन देखने को ही नहीं मिलता. डिजिमॉन इवॉल्व हो सकते हैं, साथ ही साथ डी इवॉल्व भी हो सकते हैं. मतलब इनका इवोल्यूशन परमानेंट बिल्कुल भी नहीं होता, जबकि पोकेमॉन के अंदर इवोल्यूशन परमानेंट होता है. वहाँ सिर्फ एक ही चीज परमानेंट नहीं होती और वो है मेगा इवोल्यूशन. डिजिमॉन के अंदर डी इवॉल्व सिस्टम बहुत पहले ही आ गया था और पोकेमॉन XYZ 2013 में आया था जिसमें डी इवॉल्व का ऑप्शन आया था, बट वो सिर्फ मेगा इवोल्यूशन था. बैटल की बात करूं तो डिजिमॉन पोकेमॉन की बैटल से एक बहुत ही अलग लेवल पर है. डिजिमॉन की बैटल कभी भी किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकती है. डिजिमॉन्स को हर टाइम रेडी रहना पड़ता है बैटल के लिए. बैटल में कोई भी रूल्स नहीं होते, मारो या खुद मरो. वहीं पर पोकेमॉन में रूल्स के साथ बैटल होती है. पोकेमॉन के इंजर्ड होने पर उन्हें पोकेमॉन सेंटर में ले जाया जाता है, उन्हें हील किया जाता है. पोकेमॉन को कोई भी मारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता. किसी को समझने के लिए हमें उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए और ये चीज़ डिजिमॉन में काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई गई है.
डिजिमॉन एंड उनके पार्टनर्स एक दूसरे से रियली कम्युनिकेट कर सकते हैं, जबकि पोकेमॉन में प्रॉपर कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब कि लैंग्वेज बैरियर। काफ़ी लोगों को लगता है कि डिजिमॉन पोकेमॉन्स की कॉपी है, एग्जांपल के लिए नाइनटेल्स एंड क्यूबीमॉन को ही ले लो, दिखने में सेम है, बट रियल ट्रूथ ये है कि दोनों ही करेक्टर किसुने से इंस्पायर हैं। बहुत से पोकेमॉन डिजिमॉन जैपनीज के योके से इंस्पायर्ड है। योके का मतलब समझ लो सुपर नेचुरल मॉन्स्टर एंड स्पिरिट्स, जो कि क्रिएचर होते हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए डिजिमॉन्स एंड पोकेमॉन्स को बनाया गया है। वैसे तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट अभी जो मैंने इतनी लंबी महाभारत बताई तुम लोगों को, ये प्रूफ करती है कि डिजिमॉन रिप ऑफ नहीं है पोकेमॉन का। अब देखो तुम्हें ऐसे एनिमे बहुत से देखने को मिल जाएंगे जो सेम लगते हैं बट सेम होते नहीं है। अगर किसी एनिमे के पूरी स्टोरी लाइन कैरेक्टर्स डिट्टो कॉपी है तो उस एनिमे को कॉपी बोला जा सकता है। आई होप कि तुम्हें आज की वीडियो देखकर मजा आया होगा, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर तो जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ तुम सबसे अगली वीडियो में।